बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और सेशन के साथ आरजे मोहम्मद नईम हाजिर खिदमत है। आजकल के जो मामलात और जो मौजूदा दौर में हमारे साथ मामलात पेश आ रहे हैं, जो वबाई अमराज की सूरत में है, कभी तकलीफ की सूरत में तो कभी रिस्क की तंगी की सूरत में है, आइए इन हकायक को जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ होता क्यों है। देखिए सामाइन, अल्लाह ने हमें इस ज़मीन पर उतारा है और हम उसके नायब हैं बतौर इंसान। यानी इंसान ज़मीन पर फसाद बरपा ना करे, इंसान ज़मीन पर सरकशी पर आमादा ना हो, इंसान ज़मीन पर ऐसे मामलात करे जैसा रब चाहता है, इंसान उसकी ज़मीन की हिफाजत करे, उसके लोगों को, उसके पैदा करदे जो लोग हैं उनके साथ नेक मामलात करे। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं वो न जाने किसी चीज़ की नज़र हो गई है, और वो चीज़ है दौलत या सिर्फ अपनी अपनी देखना। यहाँ पर हर शख्स को अपनी पड़ी है। क़यामत के बारे में हम जिक्र सुनते हैं कि हर शख्स जो है वो नफसी नफसी कर रहा होगा, यानी क़यामत कुबरा जिसका जिक्र किया गया। तो यहाँ हर शख्स को अपनी पड़ी है, कोई सूद खोरी है, कोई नाजायज़ मुनाफा खोरी में मुबतला है, और आज जिस अजाब से हमारी कौम गुजर रही है और ये दुनिया जिससे सफ़र कर रही है, तो वो अजाब आपके सामने है। हम सजदा रेज नहीं होते, हमें अब भी सजदों की तौफीक नहीं है। मेरे अल्लाह ने ये जो अजाब उतारा है, इसका मकसद सिर्फ इंसान को झंझोड़ना है कि वो अब भी चाहता है कि इंसान उसकी बारगाह में आ जाए। इंसान अजब मखलूक है कि अपनी सरमस्तियों और खरमस्तियों से और सरकशी से बाज तक नहीं आता। यह इंसान की तवज्जो का मरकज या तो शॉपिंग है या तो सामान और मालो मता को जमा करना है। हमें अक्ल है नहीं, और अब भी इस वबा के फूटने के बाद हमारे लिए कई इशारे मौजूद हैं। आप काबतुल्ला को देखिए, काबतुल्ला में दो बैरियर्स को खड़ा कर दिया गया है। नंबर वन बैरियर जो है वो हजरत अस्वद और हतीम के गिर्द खड़ा कर दिया गया, उसके क्लोज खड़ा कर दिया गया। कई फुट फासले पर एक और रुकावट को हल कर दिया गया है कि कोई शख्स काबे के बिल्कुल करीब न जा सके। यहाँ सामाइन एक लम्हा फिक्रिया है इंसान के लिए कि अल्लाह ने हमें बतला दिया है कि अगर मैं चाहूँ तो बड़े बड़े अजाब तो बहुत दूर की बात है कि ऐसी मखलूक जिसे तुम वायरस कहते हो वो तुम्हारे पीछे लगा दिया जाए, और एक ऐसी मखलूक जो नज़र नहीं आती उससे तुम्हें डरा दिया जाए, और उसके बाद तुम्हारी मईशत, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा तकब्बुर तहस कर नहस हो जाए। एक पल में चाहूँ तो तुम्हें अपनी बारगाह में सजदा रेज कर दूँ। लेकिन मामला कुछ अजब है। मैंने गौर किया तो काबतुल्ला जो अपने तमाम तर जलवों के साथ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये अक्ल वालों के लिए या देखने वालों के लिए ये इशारा काफ़ी है कि मुझे लगता है कि खलकत झुकी जा रही है, खलकत सजदा रेज होने के लिए हाजिर हाजिर और लब्बैक लब्बैक कहे जा रही है, लेकिन अल्लाह मुंह मोड़ बैठा है। तो आइए अपने रब को राज़ी करें, हमें उसको राज़ी करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी और दिलचस्प बात यह है कि इंसान अगर किसी से नाराज़ होता है तो सालों महीनों कई महीनों तक बात नहीं करता, लेकिन रब का मामला बड़ा खूबसूरत है। रब का मामला ऐसा है कि इंसान जितनी दफ़ा गुनाह के ढेर अपने सर पर ओढ़ ले, जितनी दफ़ा लोगों के साथ बदकलामी करे, लेकिन उसके बाद जब तमाम तर गुनाह कर चुकने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में आता है, तो अल्लाह दो आंसू बहाने पर, दो आंसू टपकाने पर फ़कत मेरा अल्लाह ऐसा नुक्ता नवाज है कि मुआफ़ कर दिया करता है। तो इसी पेशकश से हमें फ़ायदा उठाना है, हमें अल्लाह के हुजूर झुकना है, हमें उसकी बारगाह में आना है और उसके हबीब के बताए हुए तरीकों पर अमल करते हुए सच्ची तौबा करनी है। ये जो दिन गुजर रहे हैं ये तेजी के साथ गुजर रहे हैं, क़ुर्ब क़यामत की अलामत है। ये साल है वो महीनों के बराबर, और महीने जो हैं वो दिन के बराबर, दिन जो है वो घंटे के बराबर, और घंटे जो हैं वो मिनट के बराबर, और मिनट ऐसे गुजर रहे हैं जैसे एक सेकंड गुजरता है। एक साल गुजरता है जिसमें ईद आती है, ईद उल फितर है, बकरीद है, हमारे फेस्टिवल्स हैं, और दूसरा फेस्टिवल अगले साल न जाने एकदम स्पीड के साथ कैसे आगे खड़ा हो जाता है। जो गर्दिश दौरा है जिस स्पीड के साथ गुजर रही है उसका अंदाज़ा आपको और हमें सबको है। ये क़ुर्ब क़यामत की अलामत है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि हमारे मुल्क को लॉकडाउन किया जा रहा है, तो हमारा रुझान जो है वो राशन जमा करने की तरफ है, हमारा ध्यान शॉपिंग सेंटर्स की तरफ है। आज सब ने जो है वो रमज़ान के लिए, रमज़ान से पहले सारा सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन किसी एक को शायद ये तौफीक नहीं होगी, या है या अल्लाह जिसे दे उसे होगी कि वो रमज़ान से पहले ज़कात निकाल ले, ताकि वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले उनके चूल्हे जल सकें,
उनके बच्चे खाना खा सकें। आज रोडों पर सन्नाटे हैं, आज शहर की गलियां वीरान हैं। कहां गए वो लोग जो शॉपिंग सेंटर से रात गए तक वापस थक कर लौटा करते थे और उन्हें थकन का एहसास तक नहीं हुआ करता था? कहां गए वो ममालिक जो आपस में लड़ने और मरने की बात किया करते थे और सुपर पावर होने का दावा किया करते थे? आज मेरे रब ने उनके सारे तकबर को तहस नहस करके रख दिया है। आज वो तमाम ताकतें सर जोड़ के बैठ गई हैं कि ऐसे जरासीम से जो के नजर तक नहीं आता उससे कैसे निपटा जाए। हजारों लाखों लोग जो है इस अमवात का शिकार हो गए, अकल वालों के लिए इशारा काफी। आज भी जो शख्स जिसे अकल है, जो अल्लाह को, उसके रसूल को, उसके हबीब और उसकी तालीमात को पहचानता है, वो सजदा रेज है, वो आंसू टपका रहा है कि अल्लाह इस उम्मत को माफ फरमा दे, मेरे हबीब की उम्मत को माफ फरमा दे, ये भटक गए थे। आज काबतुल्लाह और तू जो हमसे मुंह मोड़ बैठा है, तू ज्यादा देर तक हमसे नाराज रह नहीं सकता। ए अल्लाह, इस दुआ के दर को और इस खैरात के दर को जहां से पूरी दुनिया को फैज हासिल होता है, जो मक्के की सूरत में है, जो मदीने की सूरत में है, सारी दुनिया को फैज मेरे अल्लाह ने मक्के और मदीने से दिया है, तो ए अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से इन दोनों मकामात से शिफायाबी का, फैज का सिलसिला शुरू कर दे और एक ऐसा नूर का थारा शुरू कर दे जिससे सारी इंसानियत को ऐसी पहचान हो जाए कि वो वादहू ला शरीक अल्लाह और उसके हबीब को जान सके, उसको पहचान सके, और इन बीमारियों से अल्लाह हमें ऐसा छुटकारा अता फरमाए, ऐसी वैक्सीनेशन और ऐसा धर्मा हो जाए कि इस बीमारी के बाद, इस वबा के गुजर जाने के बाद फिर हमसे अल्लाह का, उसके हबीब का दामन न छूटने पाए, उसकी रस्सी को हम मजबूती से थाम लें, उसके हबीब की तालीमात को पहचानने की कोशिश करते रहें। बहुत बहुत सारी बातें हैं जो हम सोचते हैं, कभी हमारे ये जो अजाइम है, जो एक दूसरे के लिए है, जो हमारे पड़ोस के लिए है, कई तालीमात दी गई जिसमें पड़ोसियों के हकूक है, कई तालीमात दी गई जिसमें बहन भाइयों के हकूक है, लेकिन उफ सद अफसोस के हमने उन अहकामात को पहचानने की कोशिश नहीं की। जरा सी नाराजगी की बिना पर हम सारी जिंदगी के राबते तोड़ दिया करते हैं। एक पल तक को ख्याल नहीं आता कि कोई गरीब है जिसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा होगा, लेकिन हम ऐशो इशरत और अय्याशी में और अपनी सरमस्तियों में और अपनी सरकशी में ऐसे गुम है कि हमें किसी चीज का होश नहीं है। याद रखिएगा कि सारी खलकत है, जिसमें जमीन है, चांद है, सूरज है, सैयारे हैं, पहाड़ है, दरिया है, ये फलक है, ये आबशारे हैं, कायनात की एक एक मखलूक जिसे मेरे अल्लाह ने पैदा फरमाया है, ये चौपाए हैं, ये परिंदे हैं, ये हवाएं हैं, संगलाख पहाड़ हैं, गैलेक्सीज हैं, सैयारे हैं, कहकशाएं हैं, ये तमाम चीज़ें भी मिलकर, अल्लाह की तमाम खलकत मिलकर भी, सारे इंसान मिलकर भी अल्लाह के खिलाफ हो जाए तो भी मेरे अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये खलकत, ये सितारे, ये चांद, ये तमाम शय मेरे अल्लाह ने बनाई। मेरे अल्लाह का कोई मुनकर हो नहीं सकता, मेरे अल्लाह के नबियों का, उसके वलियों का कोई मुनकर हो नहीं सकता, और अगर होता है तो वह अल्लाह से माज अल्लाह ऐलान जंग करता है, और अल्लाह से कौन जंग कर सकता है। इंसान एक कतरे की पैदाइश है, इंसान सारी जिंदगी खाता है, पीता है, शॉपिंग करता है, लोगों के हकूक सल्ब करता है, अल्लाह का जिक्र उससे गाफिल हो जाता है, सजदे की तौफीक छीन ली जाती है, लेकिन मेरा अल्लाह कितना अजीम है कि रिस्क नहीं छीनता। जब कुछ इंसान को चोट पहुंचती है उसके बाद उसे एहसास होता है कि या अल्लाह ये क्या जुल्म हो गया, मेरा अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, ये इंसान की अपनी शामत आमाल है, इंसान की अपनी खुराफात है जो वो बकता है, जो वो निकालता है मुंह से, लोगों के लिए बुरे जुमले निकालता है, बुरी सोचों का हामिल बन जाता है, उसके बाद फिर वो अल्लाह से सवाल ही बन जाता है कि या अल्लाह हुआ क्या, हालांकि ये शामत अमाल उसकी अपनी ही वजह से। मेरा अल्लाह जो कि 70 भाव से बढ़कर अपने बंदे को प्यार करता है, किसी को मुसीबत में वो देखता नहीं, और अगर किसी को मुसीबत उसके ऊपर हावी हो भी जाते तो मेरा अल्लाह उसे गिरने नहीं देता, बस अगर वो सच्चा तायब हो जाए, बस अगर वो सच्ची तौबा बजा लाए, तो कोई शक नहीं कि मेरा अल्लाह उसे माफ ना कर दे। या अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह इन बड़ी रातों और इन बड़े दिनों के सदक़े में परवरदिगार अपनी नेक शख्सियात के, अपने पाक दामन बीबियों के सदक़े परवरदिगार, अपने अंबिया के सदक़े, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको माफ़ फरमा दें, और हम बजाते खुद तमाम आलम इस्लाम की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से सच्ची तौबा बजा लाते हैं कि अल्लाह हम भटक गए थे, और अगर तूने हमें माफ़ ना किया, तूने अगर हमें माफ़ ना किया तो हम
خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا ہنر نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنے کا ہنر عطا فرما دے، ہمیں وہ آنکھ عطا فرما دے جو تیری یاد میں، تیرے حبیب کی یاد میں آنسو بہائے، تیرے قرآن تیری کتاب سے سچا عشق کرنے والا بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، تب جا کے ہمیں فلاح کا راستہ نصیب ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ آپ جا رہے ہیں، خوش رہیں، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رہیں، اور دعا کریں کہ پروردگار وطن عزیز اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان آباد ہیں ان پر یہ جو وبا کا حملہ ہوا ہے، پروردگار اس سے ہمیں خلاصی عطا فرما دے۔